तो यो व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल है यार आप लोगों के। तो अब से मैं एक नई सीरीज माइनक्राफ्ट की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करना चाहिए यार आप लोगों का। पूरी माइनक्राफ्ट सीरीज को फॉलो करना है आप लोगों को। तो अभी भी नई वर्ल्ड जनरेट कर ली है, तो अब हम जो जब लोग शुरुआती में करते हैं वही करने वाले हैं। क्या लकड़ियाँ काटना और क्या करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो भाई मैंने मेरी पहली लकड़ी काट ली और इसका अचीवमेंट शायद आया नहीं। हाँ आ गया, देखो ऊपर देखो अचीवमेंट आ चुका है। तो हम प्रोफेशनल लकड़हाले बन चुके हैं, अब इतनी लकड़ियाँ काटेंगे पूरा जंगल काट के रहेंगे। क्या बोला तूने? ए ओके पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज। फिर हम इतनी सारी लकड़ियों से फिर हथियार वगैरह बना बना के अपना घर वर बना के मस्त जिए यहाँ पे जिंदगी। शायद गेम भी कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो खैर ये लकड़हारे वाले काम करने हैं अपन को। तो चलते हैं लकड़हारा एक्सप्रेशन 1.0, पता नहीं मैंने क्यों बोला लेकिन बोल दिया। चलो One eternity later. सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद हम वापस आ चुके हैं। तो अब पहले तो इस मैप को देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे है क्या क्या। तो कोई भी एक डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन की ओर भाग के देखते हैं कि क्या मिलता है और तो कर भी क्या सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक तो यहाँ पे पानी है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, प्यास से तो बन मरेंगे नहीं वैसे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओ यहाँ पे तो ब्लैक, ये ब्लैक वाली वुड है, इससे तो घर बहुत बढ़िया बनते हैं यार। हाँ चलो इससे अपन घर बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे शायद अपन को आयरन मिल जाए, घोड़े जानवरों की कमी नहीं है भाई यहाँ पे। मतलब खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, पानी भी है, रहने के लिए बढ़िया जगह है वैसे तो कोई दिक्कत। ओ ये क्या है? ओ भाई नेदर पोर्टल मिल गया। खैर इस वाले अपडेट में ये नेदर पोर्टल टूटा हुआ मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस वाले नेदर पोर्टल को हम बनाएंगे, ये अपना ही है। यहाँ से बस इन क्राइंग में ये क्राइंग ऑप्सीडन के यहाँ से निकालना है, फिर यहाँ पर ऑप्सीडन लगाना है, फिर यहाँ से ऐसे बाहर चले जाएंगे हम नेदर में। तो शायद इसीलिए गेम वालों ने ये, ओ ये अच्छा मैग्मा ब्लॉक्स, तो यहाँ से मैग्मा ब्लॉक्स भी चुराएंगे अपन। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक भी है और शायद इसको तोड़ कर अपन घर ले जा सकते हैं शायद, अगर अपने पास डायमंड पिक हो तो। सबसे पहले तो शायद यहाँ पे चेस्ट ढूंढना पड़ेगा एक, इस वाले चेस्ट को ढूंढेंगे अपन। लेकिन पहले आप एक बार इसका दूर से नज़ारा ले लो भाई, क्या चीज़ है ये, अब तो इसको मस्त लूटेंगे। तो ऑब्सीडियन, हाँ, ये भी बढ़िया है। तो गोल्डन शोवल भाई साहब, पर वही ज़्यादा टिकेगा नहीं है। ऑक्सीजन वगैरह बस ये इकट्ठा करना है यहाँ से। इस चेस्ट को भी ले चलते हैं, इसमें क्यों अपनी लकड़ियाँ वेस्ट करनी है। यहाँ पे साइड में लावा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आयरन मिल जाएगा, थोड़ा सा। तो फटाफट एक बार अपना ज़रूरी ज़रूरी सामान बना लो। तो थोड़ा से पत्थर, पत्थर से अपन थोड़े हथियार बना लेंगे। यहाँ पे क्या स्केले स्केलेटन किसकी आवाज़ आ रही है? चलो पहले कुछ अभी स्केलेटन को पहले पे मार के आते हैं, तो उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ें। देखो फिर मार, लेकिन दिख रहा नहीं है, क्या चक्कर है? ओ ये रहा, चलो स्केलेटन यू आर गॉन। ओ शिट भागो भाई साहब भागो भागो। अब वो बाहर तो आएगा नहीं दिन का समय है, तो एक बार यहाँ पे शायद जाना खतरे से खाली होगा नहीं। तो पहले थोड़ा खाना भी इकट्ठा कर ही लेते हैं, हमें गाय को मारना पड़ेगा शुरुआत में। जानवरों को मारना अच्छा नहीं, इनका फार्म बनाना चाहिए, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक और गाय मिल जाए। ओ मुर्गी मिल गई, कोमड़ी मिल गई भाई साहब, सारी मुर्गियाँ मार देते हैं यहाँ पे फिलहाल। इनको लेके खा जाएंगे। कहाँ भाग रही है? हाँ तो एक ये ढेर मार देते हैं, बेड वगैरह बना लेंगे इसे रात को। और घोड़े वगैरह भी हैं, तो पहले इस मुर्गी को बेल लो। चलो एक भेड़ को मार लेते हैं, थोड़ा वूल की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। चलो हम पास 2 वूल और चाहिए, बस एक वूल और चाहिए, और एक भेड़ भी दिख गई। भेड़ काफ़ी सारी है यहाँ पे, इनसे तो 3-4। ओ भाई एक और केव, चलो मज़ा आ गया। अब यहाँ पे भी माइनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत मजा आने से पहले। भाई नहीं ये के नीचे भी जा रही है भाई साहब, यहाँ पे आयरन मिल गया तो क्या मजा आई है। लेकिन साथ में आयरन मिल गया, पूरा आयरन का सामान, लेकिन ये पत्थर जला मैंने थोड़ा थोड़ा हमें लगाया तब माइनिंग पूरी माइनिंग।
जिंदगी में चलिए तो ओ शुरुआत में जोम्बी। चलो जोम्बी इसके पास शोल क्या कर रही है? वैसे शोल से जोम्बी क्या कर रहा था पता नहीं है, शोल इनके पास क्या कर रही है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शायद दूसरे रास्ते पे कुछ मिल जाए। वो एक और जोम्बी और ये अच्छा क्रीपर के साथ आया ही है, तो इस क्रीपर को मार के इसका गन पाउडर देते हैं, फूटने से तो खैर अपन कोई काम मिला है। इसको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मारने की कोशिश करते हैं, अगर ये फूटे ना तो भाई मत फूट यार। चलो स्केलेटन, ओ भाई इसने म्यूजिक डिस्क गिराई भाई साहब, भाई क्रीपर से गेम के स्टार्टिंग में म्यूजिक डिस्क मिल गई भाई, मजे आ गए भाई। देख देख कैट की है एंडरमैन भाई, उसके एंडरमैन है यहाँ पे स्केलीमैन। इसको खैर इसको तो अंदर ही डाल देते हैं, इसको मार के अपन को अपन ही मरेंगे। फटाफट यहाँ से बाहर चलते हैं। अपन पहले थोड़े आर्मर का इंतजाम अगर कर लें।